किसी ने यह सवाल किया है कि मुझे किसी ने बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद का गोश्त 3 दिन के बाद खाने और उसको रोके रखने से मना फरमाया है, ये बात कहाँ तक सही है? इसका जवाब यह है कि जी हाँ, इब्तिदा इस्लाम में रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था कि बकरीद का गोश्त 3 दिन के बाद खाया जाए और 3 दिन के बाद उसे रोक के रखा जाए, लेकिन बाद में आप अलैहिस्सलाम ने सराहतन इसकी इजाज़त दे दी कि 3 दिन के बाद भी खाना जायज़ है और 3 दिन के बाद भी रोक के रखना जायज़ है। लिहाजा मसला यही है कि जब तक हम उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं तब तक खा सकते हैं, चाहे 15 दिन गुजर जाए, चाहे महीना भर गुजर जाए, तो चाहे 2-4 महीने गुजर जाए।